कचौड़ियां तो आपने बहुत देखी होंगी, बहुत खाई भी होंगी, पर हम आपको जो कचौड़ी दिखा रहे हैं वो 22 किलो की है और इसे बनाया है बीकानेर के धर्मेंद्र अग्रवाल। इतनी बड़ी एक ही कचौड़ी बनाए जाने में जहाँ 5 से 6 घंटे लग गए, वहीं इसे कढ़ाई से निकालने के लिए 4 लोगों से ज्यादा की आवश्यकता पड़ी। भारी भरकम कचौड़ी का वजन 22 किलो है। धर्मेंद्र अपने प्रयास से और इस कचौड़ी के माध्यम से अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि अब तक इतनी बड़ी कचौड़ी नहीं बनी। वो बता दें धर्मेंद्र ने 121 तरीके के गोलगप्पे, 100 तरीके से ज्यादा के दही बड़े और इसी तरह 30 किलो आलू की टिक्की बनाकर अपने आप को साबित कर दिया है। धर्मेंद्र का कहना है कि वो बीकानेर और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं और उम्मीद है कि ये काम हो गया। और के सिंह संवाददाता समय राजस्थान ने धर्मेंद्र से बातचीत की। मरु नगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर, जिसे नमकीन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बीकानेर में आपको हर जगह कोना कोना पर आपको कचौड़ी बनती हुई जरूर दिखेगी। इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बीकानेर के एक चौराहे पर, जहाँ 22 किलो वजन की एक कचौड़ी, जिसे अनूठी कचौड़ी कहा जा सकता है, वो बनाई गई है। ये इतनी बड़ी कचौड़ी, आकार बहुत बड़ा है, चूंकि इसे उठाना और चलाना थोड़ा मुश्किल काम है। देख सकते हैं किस तरह से ये कचौड़ी है। ये बिल्कुल ये आकार है, ये छोटी कचौड़ी का आकार है और ये बाकी है जो ये बड़ी कचौड़ी है। आप देख सकते हैं कैसा है। और इसे बनाने वाले निर्माता की यदि हम बात करें तो वो है धर्मेंद्र अग्रवाल, जिसका यही काम है कुछ ना कुछ अलग अलग हटके कुछ ना कुछ चीजें बना। धर्मेंद्र से हम बात करते हैं। धर्मेंद्र, ये क्या क्या है, ये क्या मामला क्या है, किस तरह का थोड़ा सा? कचौड़ी बिकती है, पर मैं सोचता हूँ कि कोई नई बड़ी कचौड़ी बनाऊं, ताकि आज जुनून आ गया था बनाने के लिए कचौड़ी बनाने का। ये 22 किलो की कचौड़ी है और बहुत मेहनत से बनाई है, इतनी मेहनत से बनाई है कि आप छोटी बनाने से बहुत देता हूँ। अच्छा, चले 22 किलो की कचौड़ी बनाने का कोई फायदा विशेष? विशेष तो फायदा यही है तो लाकि लोगों को यह पता पड़ सके कि 50 ग्राम की कचौड़ी बनाते हैं उसमें कितनी परसेंट निकलता है, और इसमें 22 किलो की कचौड़ी बनी है, मेरे तो होश ही उठ गए, बनेगी नहीं बनेगी है, या शीरा बनेगा, दाल का हलवा बन जाएगा।